हमारे साथ न्यूज 18 इंडिया पर भूपेन चौधरी साहब, आपका स्वागत है। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो इस चुनाव में जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं और अब एग्जिट पोल ने जो फिगर दिखाया है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर के, दावा तो आपका 80 की 80 सीटों का था, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं इससे आश्वस्त हैं आप? जिस तरह से 400 कहा गया था, एक बड़ा टारगेट रखने की कोशिश किया, इसलिए 80 भी कह दिया गया था। निश्चित रूप से जो आपका एग्जिट पोल आया है, मैं उसका सम्मान करता हूं, मेरी पार्टी भी उसका सम्मान करती है जी, लेकिन हमारे पास जो सूचना है और हमने जो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से नीचे से फीडबैक इकट्ठा किया है, उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो आपका एग्जिट पोल है उससे बेहतर परिणाम आएंगे। और उसके बारे में मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि 2014 में भी और 2019 में जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए, भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का प्रदर्शन उससे बेहतर ही रहा है। लेकिन मैं निश्चित रूप से, आपने जो आपका जो आंकलन है, ये आपका जो एग्जिट पोल है, मैं उसका सम्मान एक बार करता हूँ, दोबारा करता हूँ, आपने बहुत अच्छे से किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब परिणाम आएंगे तो परिणाम उससे बेहतर होंगे निश्चित रूप से जी। लेकिन ये जो 80 सीटें की बात कह रहे थे, किसी भी और एग्जिट पोल में भी, हमारे एग्जिट पोल में भी वो 80 का आंकड़ा आप यूपी में छूते नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो क्या उत्साह बना रहे इसीलिए भी इतना बड़ा टास्क, इतना बड़ा फिगर कार्यकर्ताओं के सामने, जनता के सामने, आवाम के सामने रखा जाता है? क्या ये एक राजनीतिक तरीका भी होता है, 400 का फिगर जैसा बोला गया था बीजेपी की ओर से? निश्चित रूप से हमें बेहतर करने की चुनौती के साथ हम लोग जनता के बीच में हैं जी। हमने अपनी पूरी 10 वर्ष के कार्यकाल का लेखा जोखा लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है। हमने सारा अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड, हमने जो भी काम किए हमारी सरकार ने 10 वर्षों में, उसका लेखा जोखा लेकर हम लोग घर घर गए हैं, परिवारों में मिले, हमने कोई दरवाज़ा छोड़ा नहीं। और हमारी पार्टी के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी और सभी केंद्रीय वरिष्ठ नेता हमारे, और राज्य में मुख्यमंत्री जी भी और हमारे दोनों डिप्टी सीएम, और पार्टी, पूरी पार्टी अपने इस एजेंडे को लेकर, अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर हम जन जन तक गए हैं। और हमने पूरा प्रयास किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है अब की बार 400 पार का जी, उत्तर प्रदेश की महान जनता भी उस लक्ष्य को पूरा करने में 80 की 80 सीटें हम लोगों को दे। भूपेन जी, लेकिन क्या जिन राज्यों में क्लीन स्वीप बीजेपी करती दिखाई देती थी, वहां कुछ ऐसा फैक्टर काम कर सकता है कि अगर सीटें कम हो तो कहीं और से भी उसकी भरपाई हो और सीटें ज्यादा बढ़ सके, इस पर भी काम किया गया है बीजेपी की ओर से? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और हमारे पार्टी की लीडरशिप, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार, हमने पूरा अपने कार्य योजना लंबे आगे समय की बनाई है जी। और संगठन की दृष्टि से भी हम पूरे साल 12 महीने लगातार पार्टी के कार्यक्रम, अभियान, हमारे सेवा के काम, रचनात्मक काम, और हम और बीजेपी उसमें एक्टिव रही है, वो तस्वीरें भी आती रही। लेकिन भूपेन जी, एक तस्वीर और आ रही है जो न्यूज 18 इंडिया पर हम दिखा रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तिहाड़ जेल सरेंडर करने के लिए वो जा रहे हैं, ये तस्वीर भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपको लगता है कि जो कोर्ट से राहत मिली थी, एक अंतरिम जमानत उन्हें मिली थी प्रचार के लिए, कोई फायदा विपक्षियों को हुआ है इससे? नहीं, ये माननीय न्यायालय का निर्णय है, न्यायालय ने उन्हें अंतरिम बेल दी थी चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष का जो चरित्र है, ये सब पूरा देश जानता है, ये सब लोग भ्रष्टाचारी हैं, और जो इन्होंने भ्रष्टाचार का साम्राज्य खड़ा किया है उसे बचाने के लिए सब लोग इकट्ठे हैं। इनका जो संगठन है, इन्होंने जो सब पूरा INDIA गठबंधन बनाया है, ये सब परिवारवादी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, और प्रदेश और देश की जनता सब जानती है। जहाँ तक केजरीवाल जी के बारे में है, केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी को बेईमान, भ्रष्टाचारी और अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते थे, और अभी कट्टर ईमानदार आपने देखा उन भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हो गए, क्योंकि खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। और पूरा अब जनता के जो विषय हैं, आप उनको गुमराह नहीं कर सकते, जनता सब जानती है इन्होंने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का साम्राज्य खड़ा किया है। और हमें, हमारी सरकार को
इसीलिए लोगों ने चुना है कि हमें भ्रष्टाचार समाप्त करना है, तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो इसके लिए माने हम सब लोग मिलकर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। भूपेन जी, हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि सुनीता अग्रवाल जी